हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की झलक, ग्लिम्सेस मीन्स झलक, ए मोमेंट्री व्यू, पीक या फिर फ्लैश। सो ग्लिम्सेस मीन्स एक हल्की सी झलक। सो ये जो चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट का व्यू मिलेगा। सो फर्स्ट जो पार्ट है इसका है ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिगस। सो लेट्स स्टार्ट। बेकर होता है जो कोई चीज़ बेक करके बनाता है, जैसे कि बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं या फिर ब्रेड बनाई जाती है। सो फर्स्ट चैप्टर है वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा। सो दिस चैप्टर इज अबाउट गोवा एंड ए बेकर। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, डिस्कस इन क्लास What images of people and of places come to your mind when you think of our country? तो आपकी आंखों के सामने कौन सी images आती हैं, यानी कौन से view आते हैं peoples and places के, कौन से लोगों के बारे में और places के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में come to your mind, यानी क्या आपके दिमाग में क्या आता है when you think of our country? जब आप इंडिया के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो आपकी सामने, आंखों के सामने कौन कौन सी इमेजेस आती हैं, यानी कौन से लोगों की, कौन से जगहों की इमेज आती है। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं या रह चुके हैं और विजिटेड, और या फिर आपने विजिट किया, वहाँ पे घूम के आए हैं आप। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं? सो ये सब हम डिस्कस करते हैं क्लास में। तो ये अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं। तो हम इस पार्ट में रहते हैं इंडिया के, और विजिटेड हम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में बता सकते हैं जहाँ पे आप घूम के आए हों। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश द डच एंड द फ्रेंच द पुर्तगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के अंदर उनका राज था पहले, इंडिया यहाँ पे पहले ब्रिटिश रूल था। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है, 15 अगस्त 1947 को। अभी अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा इंडिपेंडेंस डे आके गया है। सो ये तो हमें पता है कि ब्रिटिश है वो हमारे देश पे रूल करते थे पहले। यू मे नो द अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, तो ये कह रहे हैं कि यू मे नो, आप जानते हो सकता है, आप क्या जानते हो कि अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा भी द डच द फ्रेंच एंड द पुर्तगीज, तो डच है वो अलग एक रेस है, फ्रेंच है जो फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच हैं, पुर्तगीज हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले। तो इन लोगों ने, इन देशों के लोगों ने भी, इन देशों ने भी हमारे देश में हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इन देशों का भी एक, लोगों का भी एक पार्ट है, इन्होंने भी हमारे यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है इनकी। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस, तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के किस पार्ट के अंदर फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस हैं? तो ये सब हम इन्फ्लुएंसेस इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट है वो गोवा से रिलेटेड है, जहाँ पे पुर्तगीज थे, उनका पहले रूल था, गोवा भी बाद में आज़ाद हुआ है। सो ये इन इन्फ्लुएंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेंच, पुर्तगीज और डच के। सो कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में टी और कॉफ़ी ग्रो होती है? तो ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम, आसाम के अंदर टी होती है। सो हम फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका, ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर। दिस इज़ ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर वो स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। गोवन विलेज मीन्स ये गांव, गोवा के बारे में ही कहा गया है कि गांव गोवा का एक विलेज है। गोवन एक वहाँ की कल्चर है, वहाँ का इतिहास है, हिस्ट्री है वहाँ की। गोवन है जो गोइंकर्स हैं, ये एक खानदान है गोइंकर्स, जिनके नाम पे ये गोवा, तो काफ़ी आबादी है जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो ट्रेडिशनली बिलोंग करते हैं गोइंकर्स से। सो दिस इज ए पैन पोर्ट्रेट, पैन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है जो एक इमेज होती है, एक कोई ड्राइंग होती है, कोई पेंटिंग होती है, तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, छोटे हैंडमेड ड्राइंग को।
तो ये पेन पोर्ट्रेट है, यानी ये हम पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे गोवा का इस पार्ट के अंदर, पार्ट वन में। सो इसे हम पेन पोर्ट्रेट कह रहे हैं यहाँ पे, ये राइटर। सो दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है, ट्रेडिशनल मीन्स जो रीति रिवाजों से कल्चरल होते हैं, ट्रेडिशनल मीन्स कल्चरल, गोवा के विलेज का, गोवा विलेज बेकर, गांव का जो बेकर होता है उसका, वो स्टिल हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिसका अभी भी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक इम्पोर्टेंट जगह है जिसकी। सो लेट्स स्टार्ट। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, आप मीनिंग देख सकते हैं यहाँ पे। इट मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, फॉन्डली मीन्स होता है लाइक या लव। सो पास्ट के बारे में अच्छी यादें, या थिंकिंग फॉन्डली ऑफ लव पास्ट, पास्ट के बारे में आप अच्छे से याद करें उसको पसंद करते हुए। सो आवर एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं, बड़े बूढ़े, आर ऑफन हर्ड रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट देयर दोज ओल्ड गुड ओल्ड पोर्तुगीज डे। तो हमारे जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो अभी भी याद करते हैं अच्छे दिनों को, पुराने अच्छे दिनों को, जो गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज थे, यानी जो जब पुर्तगाल का यहाँ पे रूल हुआ करता था, पुर्तगीज लोग हैं यहाँ पे रहा करते थे, तो अक्सर उन लोगों को याद किया करते हैं वो, उन्हें याद करते हुए, ऑफन हर्ड, उन्हें सुना जा सकता है ऑफन याद करते हुए। द पुर्तगीज, ऑफन मीन्स अक्सर होता है, हर्ड मीन्स सुना जा सकता है, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब पुराने अच्छे दिनों के बारे में। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, जो पुर्तगीज थे यानी पुर्तगाल के जो रहने वाले लोग वहाँ रहते थे, देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, उनका जो ब्रेड का लॉव्स होता था, वेरी फेमस ब्रेड का लॉव्स होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, जो बेक करके ब्रेड बनाई जाती है, उसका बड़ा जो पाव होता है, एक बिग बल्क, उस बड़े हिस्से को लॉव्स कहते हैं, बाद में कट करके इसे दिया जाता है। सो फेमस लॉव ऑफ ब्रेड, दोज ईटर्स ऑफ लॉव माइट हैव वैनिश्ड, जो ये लॉव्स को खाने वाले लोग होते थे, तो ये पुराने दिनों की बात कर रहे हैं कि इन, क्योंकि अब पुर्तगीज़ हैं वो ज़्यादातर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि गोवा है वो भी आज़ाद हो गया था बाद में 60s में। सो दोज ईटर्स ऑफ लॉव माइट हैव वैनिश्ड, तो वो जो लॉव्स को खाने वाले लोग थे वो सब गायब हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पर जो उनको बनाने वाले बेकर्स थे वो अभी भी वहाँ पे हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्गेस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। सो मिक्सर एंड मोल्डर्स, ये जो ब्रेड को बनाने की जो बेकरी होती है जहाँ पे ये बनाई जाती हैं, वहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो कुछ मिक्सर्स होते हैं, यानी जो आटा वगैरह गूंथते हैं तो उन्हें मिक्सर्स कहते हैं, मोल्डर्स होते हैं जो ब्रेड को सेकते हैं उसके अंदर, भट्टी के अंदर, ओवन के अंदर, तो वो मोल्डर्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रेड को खाने वाले लोग चाहे जा चुके हों, पर उसको बनाने वाले अभी भी हैं वहाँ पे। वी स्टिल हैव अमॉन्गेस्ट अस, हमारे बीच अभी भी हैं जो मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और दोज हु बेक द लॉव, और जो उसको लॉव्स को सेकते हैं। तो ये जो लॉव्स हैं इनको ओवन, एक बड़ा ओवन होता है, एक भट्टी होती है, उसके अंदर इसको सेका जाता है। तो वो कह रहे हैं चैप्टर के अंदर कि वो अभी भी लोग हैं वहाँ पे इन ब्रेड्स को बनाने वाले। दोज एज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो कह रहे हैं फर्नेस, फर्नेसेस होता है जो भट्टी होती है, एक बड़ा हीटर, आपने कभी बेकरी में देखा होगा, वो एक बड़ी सी भट्टी के अंदर, वो आयरन की प्लेट्स होती हैं, उनके अंदर बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह लगा के उसके अंदर, भट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो उस भट्टी को फर्नेसेस कहते हैं, आप उसे हीटर भी कह सकते हैं, एक बड़ा हीटर, बड़ा ओवन भी कह सकते हैं। सो वो फर्नेसेस होती है, वो अभी भी है वहाँ पे। दोज ओ एज ओल्ड, यानी काफ़ी पुरानी, टाइम टेस्टेड, यानी समय के द्वारा उसको टेस्ट किया जा चुका है, यानी काफ़ी टेस्ट की हुई, काफ़ी अच्छी भट्टियाँ हैं वहाँ पे, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी हैं वहाँ पे। द फायर इन द फर्नेसेस ये हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और इन भट्टियों के अंदर जो आग जल रही होती है वो अभी भी नहीं बुझी है, यानी अभी भी ये भट्टियाँ काम कर रही हैं, इन पे काम होता है अभी भी। द थर्ड, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझा देना किसी चीज़ को, आग को बुझाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं, आपने फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा, आग को बुझाने वाला जो मशीन होती है, वो सिलेंडर सा लगा होता है। सो एक्सटिंग्विश मीन्स आग को बुझाने वाला। सो द फायर इन द फर्नेसेस, यानी उन भट्टियों के भी अंदर जो आग जल रही हैज़ नॉट बीन येट बीन एक्सटिंग्विश, वो अभी भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड होता है कोई हैवी चीज़ जब साउंड करती है नीचे गिरने, तो थर्ड की आवाज़ होती है।
जैसे कोई भी भारी चीज़ हो वो ऊपर से गिरेगी तो उसका साउंड को थड कहते हैं। जिंगल होता है जो चम्मा चम की आवाज़, कुछ हल्की आवाज़ होती है जो कोई साउंड करता है कुछ, तो उसे जिंगल कहते हैं। जो चिंक साउंड होता है, रिंगिंग का कोई साउंड होता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो जो ट्रेडिशनल बैंगर होते हैं यानी जो यहाँ पे पुराने बेकर्स होते थे उनके बैम्बू की जो आवाज़ होती थी थर्ड और जिंगल। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग क्या होता है, अनाउंसिंग, अनाउंस करते हुए, तो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो बेकर जब आता था वहाँ पे तो वो एक बैम्बू होता था उसके हाथ में, उसको जमीन पर मारते हुए आता था तो उससे थड का साउंड आता था, और उसने बैम्बू पर कुछ इस तरीके से लगा रखा होता था जिससे जिंगल का साउंड भी होता था। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और इससे सुबह सुबह अनाउंसमेंट हो जाती थी उसके आने की। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ पैलेसेस पर अब भी ये आवाज़ सुनी जा सकती है, यानी वो जब इसी तरीके से वो आता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि पिता ना जिंदा ना हो पर जो बेटा है वो कंटिन्यू कर रहा है अपने फादर फैमिली प्रोफेशन को, यानी ब्रेड बनाने को, जो लॉज हैं उसको बेक करने का जो प्रोफेशन है जो इनके फादर्स किया करते थे और पहले से पहले, तो फैमिली में जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होता है। तो उसी तरीके से तो ये कह रहे हैं चैप्टर के अंदर कि जो फादर हैं हो सकता है वो जिंदा ना हो पर उनका जो बेटा है वो इस फैमिली प्रोफेशन को, लव्स और ब्रेड वगैरह बनाने को, बेकरी के प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, तो गोवा में इन पेडर बेकर्स को पेडर के नाम से जाना जाता है। सो दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, तो पहले इनको पेडर कहते थे उस टाइम में, पुर्तगीज के टाइम में, तो आज भी इन्हें पेडरी बोलते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे जब बचपन था हमारा, ये चैप्टर का राइटर बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा बचपन होता था, हमारा चाइल्डहुड होता था, उस दौरान जो बेकर्स होता था वो हमारा फ्रेंड होता था, हमारा कंपेनियन होता था, कंपेनियन मीन्स साथी होता था, और हमारा गाइड होता था, हमारा मार्गदर्शक होता था। तो ये बेकर के बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त हमारा जो बेकर होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में लगभग दो बार आते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम दो बार आता था वो दिन में। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। सो वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो जब वो सुबह सुबह जाता था अपने सेलिंग राउंड पे यानी बेचने के लिए, तो इनके घर के आगे से वो जाता होगा, तो वो एक बार तो तब वो होता था कि जब वो वहाँ से जाता था बेचने के लिए सुबह सुबह, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा वेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग द इज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी बड़ी सी जो बास्केट होती थी उसकी टोकरी होती थी उसे जब सारा सामान बेच के वो खाली करके लेके आता था तो वो उसका दूसरा राउंड होता था। द जंगलिंग थर्ड ऑफ इज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, तो उसकी जिंगलिंग जो थर्ड की साउंड होती थी बैम्बू की वो हमें जगा देती थी नींद से। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागते थे उससे मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए, यानी उससे हेलो कहने के लिए। ग्रीट हिम मीन्स हेलो वगैरह कहना। वाई वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव ऑफ द लव, नॉट एट ऑल, तो ये क्यों था, यानी हम उसे क्यों मिलने जाते थे और क्यों ग्रीट करने जाते थे, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये लॉफ के लिए यानी जो ब्रेड है बड़ा जो पाव होता है उसके लिए प्यार था हमारा, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। द लॉव्स वर बोर्ड बाय सम पेस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, तो ये जो राइटर हैं इनके घर में नौकरानियाँ थी जिनका नाम था पेस्किन और बेस्टिन, इस टाइप से कोई नाम था उनका, सरनेम था। तो वो कह रहे हैं नहीं हमारा ये ब्रेड के लिए प्यार नहीं था, द लॉव्स वर बोर्ड बाय, जो लॉव्स लिए जाते थे यानी जो ब्रेड ली जाती थी वो तो हमारे घर में ये नौकरानी थी जो पेस्किन और बेस्टिन नाम से मेड सर्वेंट थी, वो मेड सर्वेंट मीन नौकरानी ऑफ द हाउस वो लेती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हमारा जो डिज़ायर थी, लॉन्ग मीन्स होता है डिज़ायर होना, या हमारी जो वांट थी, हमारी जो इच्छा थी, तो हमारी जो लॉन्ग थी वो तो थी फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, तो हमारी तो जो डिज़ायर थी वो ब्रेड बैंगल्स के लिए थी। तो ये ब्रेड बैंगल्स अलग टाइप की होते हैं, चूड़ी के टाइप से होती है, ये बैंगल्स के टाइप से ब्रेड बनाई होती है। सो विच वर चूज केयरफुली, जिनको केयरफुली चूज किया जाता था, ब्रेड बैंगल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से होते हैं वो, ये भी ब्रेड ही होता है बस इसको थोड़ा
गोलाई दे दी जाती है। सो व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। तो हमारा प्यार तो इनके लिए होता था, ब्रेड बैंगल्स के लिए, जिन्हें हम केयरफुली चूज करते थे। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार एक स्वीट ब्रेड बनाई जाती थी स्पेशल। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशलिटी मेड बैम्बू स्टाफ। और तो जो बेकर होता था वो म्यूजिकल एंट्री करता था, यानी म्यूजिक के साथ एंट्री करता था सीन में, जेंग जेंग का साउंड होता था उसका, ही स्पेशल मेड बैम्बू स्टाफ। और उसका जो स्टाफ होता था उससे, बैम्बू स्टाफ के साथ में, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द हिज हेड, एक हाथ से उसने बास्केट को पकड़ रखा होता था हेड पे, सर पे अपने, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरे हाथ से वो जिस वो बैम्बू होता था जिस हाथ में, वो ग्राउंड पे मारता था उसको, तो उससे आवाज आती थी। तो ये बैम्बू स्टाफ का स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो ये म्यूजिकली साउंड में स्टाफ उस बैम्बू को ही गाया इन्होंने। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की जो लेडी होती थी, घर की मालकिन होती थी, उसे ग्रीट करता था, यानी उनसे हेलो वगैरह कहता था, विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहता था वो। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, तो वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर जो वर्टिकल बैम्बू होता था, वर्टिकल होता है जो लंबाई में, तो जो लंबा बैम्बू होता था उसके ऊपर अपनी बास्केट टिका देता था वो। वी कुड किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल री बुक, और हमको जो बच्चे होते थे हम, तो ये अपने पुराने दिन याद करते हुए कहते हैं राइटर, कि वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल री बुक। री बुक मीन्स होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कॉल्डिंग, तो डांटते हुए, तो इनकी जो मदर हैं वो डांटती होंगी इन्हें। तो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को डांटा जाता था और हमें साइड में कर दिया जाता था हल्की डांट से। एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लॉव्स थे यानी जो ब्रेड थी वो सर्वेंट को डिलीवर की जाती थी, यानी जो बेकर था वो सर्वेंट को ब्रेड दे देता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम गिव अप नहीं करते थे, यानी हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑन द पैरापेट, कि हम एक पैरापेट जो बेंच है उसके ऊपर चढ़ जाते थे। पैरापेट होता है जो मुंडेर होती है घर के बाहर, चार दीवारी होती है जो छोटी चार दीवारी। सो वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट, तो हम या तो बेंच पे चढ़ जाएंगे या पैरापेट पे, यानी मुंडेर पे चढ़ जाएंगे। एंड पीप इन टू द बास्केट, और हम बास्केट के अंदर झांकते थे। पीप होता है किसी को चीज़ को झांक के देखना या चुपके से देखना। सो पीप इन टू द बास्केट, हम बास्केट में झांकते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव, अब किसी तरीके से मैं आज भी वो टिपिकल फ्रेग्रेंस है, यानी जो स्मेल है ब्रेड की, वो जो ब्रेड की एक सी स्मेल आती है, टिपिकल फ्रेग्रेंस। टिपिकल फ्रेग्रेंस मीन्स वो एक जैसी स्मेल, ब्रेड में स्मेल तो एक जैसी आती है। तो वो कह रहे हैं कि उस ब्रेड में जो स्मेल आती थी वो टिपिकल फ्रेग्रेंस, उसको मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, यानी याद कर सकता हूँ बिल्कुल। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लॉव्स होते थे यानी जो बड़े बड़े पाव होते थे जो आप पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे, ये तो एल्डर्स के लिए होते थे, और ये बैंगल्स होते थे ये बच्चों के लिए होती थी। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ्स, और फिर हम तो ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे हम। अवर वॉश और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, और अपना मुंह भी प्रॉपरली नहीं धोने की कोई परवाह नहीं करते थे। तो फिर हम दांत साफ करने की या अपना मुंह अच्छे से धोने की परवाह नहीं करते थे बिल्कुल भी। एंड वाई शुड बी, और हम क्यों परवाह करें उसकी, हमें क्यों परवाह करनी चाहिए उसकी। वो वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन प्लक करे यानी कौन ट्रबल करे या कौन मतलब कष्ट करे जो मैंगो लीव्स फॉर द टूथ ब्रश, टूथब्रश के लिए मैंगो लीव्स को प्लक करने का यानी तोड़ने का, तो मैंगो लीव से ये करते होंगे ब्रश वगैरह। सो वो वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव फॉर द टूथ ब्रश, तो टूथ ब्रश करने के लिए मैंगो लीव्स को प्लक करने का यानी तोड़ने का कौन कष्ट उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी भी क्यों था, यानी कि क्या जरूरत थी सब करने की। द टाइगर नेवर ब्रश दिस टीथ, जो टाइगर है वो भी तो कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली, जो गर्म गर्म चाय आएगी उससे सब कुछ मुँह साफ हो ही जाना है, यानी जब चाय पियेंगे तो मुँह के अंदर जो कुछ भी हो साफ हो जाएगा, मुँह साफ हो जाएगा बिल्कुल आफ्टर ऑल। सो ये राइटर हैं वो यहाँ पे एंड में लिख रहे हैं कि एक बार जब हमें बड़ों के लिए ब्रेड आ जाती थी और छोटों के लिए बैंगल्स होती थी ब्रेड की, तो फिर हम तो दांत साफ करने की या फिर मुंह साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे बिल्कुल भी। और क्यों करें, कौन कष्ट उठाए जो मैंगो लीव्स हैं उनको तोड़ने की टूथब्रश के लिए, और इसकी ज़रूरत भी क्या है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि टाइगर है उसके ब्रश दांत कौन साफ करता है, टाइगर के भी तो दांत कोई नहीं साफ नहीं करता। जो गर्म चाय है उससे मुंह साफ हो ही जाता है आफ्टर ऑल। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।